एक दिन कलीसिया के एक परिवार पे मुझे थोड़ा गुस्सा आया और बड़े शर्म के साथ अपनी गंदी बात मैं आपको इस पुलपिट से बता रहा हूं। मैंने आधा घंटा प्रचार किया लेकिन मेरे मुंह से हर शब्द उनके लिए निकला था। और जब मैं घर पे आया, मेरी आदत है मैं प्रचार करने के बाद कुछ देर शांत हो जाता हूं और खुदा से पूछता हूं क्या मैंने कुछ गलत कहा। उस दिन भी मैंने यही किया। मुझे प्रभु ने कहा, एक व्यक्ति के कारण तूने 200 लोगों की मीटिंग खराब की आज। तुझे प्रॉब्लम थी ना, तो उससे व्यक्तिगत तौर पे बात कर, वहां से क्यों कर रहा था। दैट डे मैंने डिसाइड किया कि मैं ये घिनौने काम फिर कभी ना करूंगा, आप भी मत करना और ना ही ऐसे लोगों को सुना करो। अनसब्सक्राइब कर दो ऐसे लोगों को, निकलो ऐसी कलीसियाओं से भी बाहर जहां पर लोग यीशु के बारे में नहीं बताते लेकिन वो आपको ताने मारते रहते हैं। एक परिवार बेचारा गरीब दसवांश नहीं दे पाता और आप अगर वहां से खड़े होकर उन्हें कहते हो कि तुम चोर हो, तुम श्रापित हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ब्रदर, यू आर नॉट अ पास्टर, यू आर लाइक अ लिटिल डेविल। आई डोंट केयर हु आर यू। कभी लोगों की विल को कंट्रोल न करें, कभी ना करें। मैं कभी नहीं करता। आप प्रचार सुनो एंड ट्रस्ट मी, ये एक मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे कलीसिया में कोई बड़ी बात नहीं है। आई हैव 3 चर्चेस, मुंबई, पुणे एंड उल्लासनगर। हर चर्च में प्रभु के अनुग्रह से 400-500 लोग आते हैं, कुछ 400 परिवार, कुछ हमारे कैंप उल्लासनगर में है, बॉम्बे में 600-700 लोग आते हैं हमारे चर्च में, पुणे में भी इतने ही हैं। आप बिलीव कीजिए, मैं कभी किसी की विल को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन ये एक गवाही है। यस, मैं प्रभु की कलीसिया की जरूर बड़ाई करूंगा। आपको एक बार मेरी चर्च में विजिट करना चाहिए, आपको पता चलेगा भूख और प्यास क्या होती है। इतने क्रेजी लोग हैं कि उनकी वजह से मैं कभी सैटरडे संडे लीव नहीं करता। मैं कहां भी रहूं इंडिया में, सैटरडे संडे मैं चर्च में रहता हूं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं मेरी कलीसिया के अंदर। आप बिलीव कीजिए, मीटिंग 7 बजे चालू होती है हमारे इवनिंग में, 6 बजे हॉल फुल होता है। आपको 6 बजे के बाद जगह नहीं मिलेगी मेरे कलीसिया। आप आएंगे, आपको सेकंड फ्लोर पे बिठा दिया जाएगा। जानते हो क्यों हुआ ऐसा? 2 वजहों से। एक, प्रभु की दया रही। सेकंड, मैंने कभी भी अपने कलीसिया में भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश नहीं की। मैंने हर समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रचार किया और खुदा ने कलीसिया बनाई। यू नो, जब आप अपनी स्टेज छोड़ देते हो, जब अपना प्लेटफॉर्म, जब अपनी पोजीशन छोड़ देते हो ना, आप तकलीफ में आते हो। जब शाऊल ने, एक राजा ने याजक बनने की कोशिश की, आपने देखा उसने अपना राज्य खो दिया। डोंट लीव योर प्लेस ब्रदर, डोंट लीव योर प्लेस। जहां आपको खुदा ने खड़ा किया है वहीं खड़े रहो। किसी की विल को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। आप हर रविवार पवित्र आत्मा से भर के प्रचार करो। मैं यीशु के नाम से लिख के देता हूं आपको, अपनी साइन डाल के, आपकी चर्च कहां नहीं जाएगी, खुदा उनको संभालेगा। द पावर ऑफ गॉड विल कंट्रोल देयर लाइव्स। परमेश्वर की सामर्थ उन लोगों को संभालेगी जो खुदा एलिया तक पहुंचने के लिए कौओं को रास्ता दिखा सकता है। वही खुदा चर्च के बाद लोगों को द्वार क्यों नहीं दिखाएगा? सोचो। चलो यहां देखो, एक सवाल पूछ सकता हूं। बाइबल में लिखा है बुरे काम, इसका मतलब समझ में आता है आपको?
बुरे काम का मतलब होता है evil works, व्यभिचार, हत्या, झूठी गवाही. बाइबल में लिखा गया है अच्छे काम. डू यू नो द मीनिंग ऑफ अच्छे काम? किसी की हेल्प करना, किसी के लिए प्रेयर करना. ओके, अब कितने लोगों ने यह पढ़ा है मरे हुए काम? इब्रानियों में लिखा है मरे हुए कामों से मन फिराओ. ये कैसे होते? जो कुछ भी हृदय से ना आए लेकिन जोर जबरदस्ती किया जाए वो एक मरा हुआ काम है. रिमेंबर ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ. जो हृदय से ना आए, किसी के प्रेशर में किया जाए, इट्स अ डेड वर्क. इसीलिए पॉल कहता है जो कुछ करो परमेश्वर के लिए करो.